स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर। आज हम देखेंगे कि दिमाग स्लाइडिंग का स्ट्राइक किस तरह काटते हैं। सबसे पहले हम हाइट का सेंटर ले लेंगे। वैसे मैंने तो फर्मा बनाया हुआ है, लेकिन हम आपको बता देंगे कि किस तरह से नाप लगाई जाती है। जहाँ से अलमुनियम स्टार्ट हुई है वहाँ से आप आधा इंची छोड़ दीजिए। आधा इंची छोड़ने के बाद यहाँ से यहाँ आधा इंची छोड़ना है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको 6 छोड़ना है, फिर बीच सेंटर से आपको 3.5 इंची, फिर यहाँ से 3.5 इंची लगा के फिर आपको निशान लगा लेना है। इसे धीरे धीरे काटना है ताकि इसमें जो कलर उखड़ ना जाए, इस वजह से थोड़ा धीरे धीरे काटना पड़ता है। इसको दूसरी तरफ से भी काट लीजिए आराम आराम। ड्रिल मशीन में 3.5 mm का बर्मा लगाइएगा। 3.5 का बर्मा लगाने के बाद इसको छेद कर लीजिएगा। छेद करने के बाद इनके छेदों को उसी करने से थोड़ा थोड़ा बढ़ा लेना है, छेद को थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है ताकि आराम से टूट सके। इसको हथौड़ी और पेचकस मदद से तोड़ लीजिए। और किनारे किनारे को ब्लेंडर की मदद से साफ कर लीजिए। जो जो खाचा कटा हुआ है उसका किनारा आराम से ब्लेंडर साफ कर लीजिए ताकि रोटी चलाने में आपको आसानी हो। फिर पतली रोटी लेके इसको हल्का हल्का घिस लीजिए तिरछा करके, ताकि जो स्टार लॉक लग जाए तो उन्हें लगाने में परेशानी ना हो। अब स्टॉल लॉक रख के इसको चेक कर लीजिए, जिस तरह आगे पीछे करके कहीं लड़ तो नहीं रहा है। देखिए किनारे पे लड़ रहा है हल्का सा, इसको ना ब्लेंडर की मदद से घिसना पड़ेगा। इसे थोड़ा अभी सही से बैठ जाएगा, ये बैठ गया। अब स्टॉल लॉक कर दिया।